नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। लोक आस्था का छठ पर्व आज मनाया जा रहा है और इसे लेकर अस्त जलगामी सूर्य को आज अर्घ दिया जाएगा। छठ घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। प्रशासन की मुस्तैदी देखी जा रही है। छठ घाटों की सफाई भी बेहतर तरीके से की गई है। प्रशासन की टीम मुस्तैद है। लोक आस्था का महापर्व छठ, सफाई की बेहतर यहां पर कोशिश की गई। तमाम छठ घाटों को साफ किया गया ताकि छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो लोक आस्था का महापर्व चैती छठ और उसका तीसरा दिन जहां आज अस्तचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छठ घाटों पर बेहतर सफाई कराई गई है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दिखा रहे हैं आज अस्तचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोक आस्था के महापर्व छठ की ये तस्वीरें हैं। तमाम जगहों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं हमारे साथ और क्या कुछ स्थिति है वो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे चार सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों की, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं राजधानी रांची की बात करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी अदिति इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अदिति, क्या कुछ चल रहा है घाटों पर, किस तरीके की व्यवस्था की गई है और श्रद्धालु किस तरीके से छठ पर्व मना रहे हैं? हम कह सकते हैं कि बेसब्री से लोग जो है वो चैती छठ का जो महापर्व होता है उसका इंतज़ार कर रहे थे और कहीं ना कहीं विगत 2 सालों से लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर लोगों की भीड़ जिस तरीके से है, जैसा कि कहा जाता है कि जो कार्तिक में जो छठ होता है उसमें लोग ज़्यादा जो छठ है वो किया करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी मैं जिस छठ घाट पर उपस्थित हूँ वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ के लोगों की भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है और छठ व्रति अब पहले जो शाम का अर्घ है वो देने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से कोरोना काल के कारण जो लोग हैं वो छठ घाट पर आकर के इसका अर्घ नहीं दे पा रहे थे, यहाँ की भीड़ से आपको ये पता लग सकता है कि लोग इसका किस तरीके से इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ की लगातार जो तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे कि जो छठ व्रती लोग हैं वो अभी यहाँ पे पूजा कर रही हैं और इसके साथ ही डूबते हुए सूरज को अर्घ देने का जो सिलसिला है वो चलेगा। और ये चैती छठ जो होता है ये अप्रैल माह में गर्मी का समय होता है, लेकिन लोग इसे पूरे श्रद्धा के साथ करते हैं और साथ ही यहाँ की भीड़ जो है वो लोगों की श्रद्धा दिखा रही है कि पिछले 2 वर्ष से जहाँ लोग नहीं आ पा रहे थे अपने किसी भी पर्व को इतने उत्साह के साथ नहीं मना पा रहे थे, वहीं कहीं ना कहीं ये खुशी जाहिर करना हुआ। लोग इस पर्व का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। पूरे साल में ये पर्व 2 बार आता है और एक जो होता है वो चैती छठ होता है और दूसरा जो होता है वो कार्तिक मास नवंबर के टाइम पे होता है। तो इस तरीके से लोगों का जो उत्साह है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जहाँ तक हम बात करें व्यवस्था की, वो काफ़ी अच्छे से की गई है। बाहर की ओर यहाँ पर दूध की और पूजा सामग्री की व्यवस्था की गई है, साथ ही यहाँ पे पुलिस प्रशासन की भी जो भीड़ है वो काफ़ी अच्छे से है ताकि जो यहाँ पे छठ व्रती है उनको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। और अभी जो समय है वो हो चुका है, थोड़ी ही देर में अब यहाँ पे जो अर्घ है वो कहीं ना कहीं अब पवैतिन जो है वो देने को तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो सीधी तस्वीर आपकी तरफ है वो जा रही है। जी अमृत,
जी बिल्कुल, तो एक बेहतर तस्वीर रांची से। बहरहाल आप बने रहिए, हमारे और भी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी बारी बारी से चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ तस्वीरें वहां से उभर कर आ रही है। हमारे सहयोगी धनबाद से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ धनबाद की स्थिति धनबाद के घाटों पर? कोयलांचल में भी छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और ये महापर्व कहा जाता है, आस्था का महापर्व है ये, और इसे चैती छठ पूजा के रूप में मनाया जाता है। देखिए इस वक्त हम धनबाद के पंपू तालाब में, पंपू तालाब पे देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। जहाँ तक तस्वीरें जाएगी वहाँ पे छठ व्रती और श्रद्धालु पहुँचे हुए यहाँ पे भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं, और वो जो जो उत्साह और जो भक्तिमय माहौल बनता है वो तस्वीर यहाँ पे दिख रही है। छठ व्रती यहाँ पे आए हैं, जो भक्तिमय गीत बजाए जा रहे हैं और जो श्रद्धालु जो आए हुए हैं वो भी अपने आप को चाह रहे हैं कि कैसे इस पर्व में, इस त्यौहार में अपने आप को रंग ले। और छठ पूजा कहा जाता है कि आस्था का महापर्व है, घाट पे श्रद्धालुओं काफ़ी भीड़ रहती है, जिनके घर में छठ पूजा नहीं होता है वो भी आस्था के साथ छठ घाट पहुंचते हैं, छठ माँ का आशीर्वाद लेते हैं और भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं। ये तस्वीरें कोयलांचल के धनबाद की देख रहे हैं, पंपू तालाब में यहाँ पे भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है। छठ व्रती जो वो है वो पानी के अंदर है और उन्हें अर्घ दे रहे हैं, तो कह सकते हैं कि तस्वीरें काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। यहाँ पे पूरा माहौल भक्तिमय बन गया, और खास करके अगर तैयारी की बात की जाए तो जिस तरह से हम अमूमन छठ पूजा की तैयारी में, चाहे वो जिला प्रशासन हो, स्थानीय लोग हो, कमेटी के लोग हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और धनबाद में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। और यही वजह कि तालाबों की हो या छठ घाटों की सफाई हो, पहले से वो कर दिए गए। तो जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो पुलिस प्रशासन ने पहले से ये तय कर रखा था, सांसद समिति की बैठक भी हुई थी, जो आने वाले समय में त्यौहार है उस त्यौहार में कोई खलल ना पहुँचे, कोई विपदा न आए और स्थानीय लोग या भी जो छठ व्रती है वो सही तरीके से अपने त्यौहार मनाए, तो इसकी भी तैयारी मुकम्मल कर ली गई। और छठ घाटों पे जो दृश्य दिख रहा है काफी मनमोहक और काफी मनोरम दृश्य है, और पूरा माहौल जो भक्तिमय बना हुआ है। जी जी आगे बढ़ते हैं और अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम अलग अलग जगहों की, जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। देवघर से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी जगहों की बात करेंगे पर पहले चलते हैं देवघर। और दीप नारायण जी, क्या कुछ वहां तस्वीरें उभर कर आ रही हैं, किस तरीके से कितनी श्रद्धा के साथ वहां लोग छठ घाटों पर पहुंचे? जी बिल्कुल, आस्था का महान लोक पर्व छठ की छठा ही निराली होती है, और बात चैती छठ की हो रही है। अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तस्वीरों के माध्यम से हम घर बैठे न्यूज 11 के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए ये शिवगंगा का पवित्र सरोवर है, जहां पर सबसे ज्यादा व्यापक पैमाने पर छठ व्रती जो है वो अर्घ देने आती है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। ये तस्वीरें खूबसूरत तस्वीरें, आस्था से डूबी हुई ये तस्वीरें हैं देवघर के पवित्र शिवगंगा की। हालांकि जो अन्य छठ घाटों पर वो रौनक देखने को नहीं मिलती है, लेकिन शिवगंगा सरोवर की जो छटाएं हैं वो निराली है, और वही विहंगम दृश्य हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि तमाम महिला पुरुष आज यहाँ पर शिवगंगा के सरोवर पर आई हैं और यहाँ पर भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है। काफी शुद्धता के साथ इस पर्व को मनाया जाता है, शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है। और जो दृश्य हम आपको अभी दिखा रहे हैं, ठीक सुबेरे ये दृश्य जो है और भी भीड़ में तब्दील हो जाती है। यहाँ के पूजा समितियों ने व्यापक पैमाने पर यहाँ पर व्यवस्था कर रखी, सड़कों को साफ सफाई कराई गई, और ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं ये देवघर के पवित्र शिव गंगा सरोवर की है, जो कि इसे पाताल गंगा भी कहते हैं, गंगा के स्वरूप में इसे माना जाता है। और देख लीजिए यहाँ पर की तमाम महिलाएं हैं, पुरुष है, जो कि भगवान भास्कर को स्थल जल गामी भगवान भास्कर को अर्घ दे रही है, और काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि 2 साल के बाद ये भव्यता देखने को जरूर मिली है, लेकिन पिछले 3 और 4 साल की बात कर ले, जो बड़े पैमाने पर यहाँ पर छत का आयोजन होता था उसमें थोड़ी कमी जरूर दिखती है, लेकिन आस्था में कहीं से कोई कमी नहीं दिख रही है। कोविड के कारण जरूर असर पड़ा है, कई कैजुअलिटीज हुए थे जिसके कारण इस बार कम लोग छठ कर रहे हैं, लेकिन ये दृश्य जो है वो मनमोहक है। और बाबा मंदिर के करीब होने और सबसे पवित्र जल होने की वजह से यहां पर आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, और भगवान भास्कर को देख रहे हैं कि लोग अर्घ दे रहे हैं यहां पर, और शुद्धता का काफी ख्याल रखते हैं। और ये जो दृश्य है वो हम न्यूज 11 के दर्शकों को दिखा रहे हैं पवित्र शिव गंगा सरोवर से, जो कि यहाँ सबसे भव्य रूप से यहाँ पर अर्घ देने का काम चलता है। और ये तस्वीर जो है सीधे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।
शिवगंगा सरोवर से, और आप देख लीजिए भीड़ कितनी ज्यादा है, और ये भीड़ तकरीबन 2 साल के बाद देखने को मिल रही है। तमाम महिला पुरुष बच्चे और सभी आ रहे हैं, और पूजा समितियों के द्वारा लाइटिंग से लेकर साफ सफाई तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है, और ये दृश्य देखने के लिए काफी ललायित लोग रहते हैं। जिनके घरों में छठ नहीं होता है वो भी भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए चले आते हैं और अपना पूरा सहयोग इस पर्व को लेकर देते हैं। जी यहाँ भी बेहद शानदार तस्वीर नजर आ रही है, और तमाम जगहों से लगभग ऐसी ही शानदार तस्वीरें आ रही हैं। हम अपने दर्शकों को और भी जगहों से रूबरू कराएंगे। और इस बीच जमशेदपुर में भी छठ काफी बेहतर तरीके से मनाया जाता है, वृहद तरीके से मनाया जाता है, और वहां भी घाट सज चुके हैं। तो चलिए हमारे सहयोगी के पास चलते हैं, जमशेदपुर में क्या कुछ स्थिति है बताइए। बिल्कुल, देखिए भाई, जमशेदपुर के जो स्वर्णिका नदी घाट है वहाँ का दृश्य आपको दिखाता हूँ। देखिए कि किस तरीके से भीड़ लगा हुआ है, मेरे सहयोगी दिखा रहे होंगे, न्यूज 11 भारत के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखा रहे किस तरीके से मेला का नजारा नजर आ रहा है। ये स्वर्णिका नदी घाट, चूंकि ये नदी घाट का अलग महत्व है, इसलिए कि यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, खड़काई और स्वर्णिका नदी का संगम होता है। जो व्रतधारी है देखिए नदी के अंदर में है, और भगवान भास्कर को आप नजर आ रहे होंगे, सहयोगी दिखा रहे होंगे, भगवान भास्कर डूबते वे सूरज को अर्घ दिया जाता है, और अर्घ देने के बाद वरधारी पूजा करने के बाद अपने घर की हो जाते हैं। तो निश्चित है ये नजारा आपको अलौकिक नजर आ रहा होगा, जिस तरीके से देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं पानी में खड़ी हैं और पूजा पाठ कर रही हैं और अर्घ भी दे रही है। तो जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले से ही साफ सफाई की व्यवस्था कर ली गई थी, साथ ही साथ प्रशासन के द्वारा पुलिस व्यवस्था की गई है, ताकि किसी तरह की कोई बात हो तो उससे निपटा जा सके। और उसके और जो वरदारी जो नदी में नहाती है उनके लिए भी एक चेंजिंग रूम भी प्रशासन के द्वारा बनाया गया है, और प्रशासन के लोग नदी घाटों पर लगातार मुआयना कर रहे हैं। देखिए आप, मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे होंगे कि किस तरीके से पुलिस के लोग जो है लगातार घाटों में घूम रहे हैं, ताकि किसी तरह का कोई बात ना हो, क्योंकि काफी भीड़ है। और ये लोक आस्था का महापर्व 3-4 दिनों का जो है आज से इसकी शुरुआत हो गई है, और आज डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है, और मेला सा नजारा आपको दिख रहा हो, क्योंकि ये गर्मी के समय में होता है छठ, तो इसको काफी तपस्या से महिलाएं करती हैं, और खासकर जो ऐसी वरधारी करती है। नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर लौटेंगे, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है आदिति, राजधानी रांची से। आदिति आपके पास फिर से आ रहे हैं, वहां अब क्या स्थिति है, और जरा एक बार कोशिश कीजिए, जो छठ व्रती है या जो उनके साथ उनके परिवार के लोग इस वक्त घाट पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कीजिए कि उनमें कितना उत्साह है। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो छठ व्रती हैं हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि ये जो 36 घंटे का व्रत होता है वो कितना निर्जल व्रत होता है, और उसमें उन्हें क्या कुछ करना पड़ता है, हम उनसे ही जानेंगे। हम कोशिश करने की कर रहे हैं कि हम किसी से बात कर सके। जी आपने छठ करा है, ये 36 घंटे का ये निर्जल उपवास होता है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और यहाँ जैसे कि 2 साल से आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि कोरोना के कारण लोग छठ घाट आकर के नहीं दे पा रहे थे, तो क्या कुछ कहना है आप? सब कुछ स्वस्थ रहें और हम लोग भी स्वस्थ रहें, बस यही सोच के कर रही हूँ। तो इस तरीके से लोगों में जो उत्साह है वो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं, कि और भी लोगों से हम बात करेंगे कि आपको कैसा लग रहा है छठ घाट आकर के, इतने सालों के बाद ये मौका मिला कि आप यहाँ पे आ सके। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपके यहाँ से कोई किया है? नहीं, मैं तो ऐसे ही आई हूँ, कोई नहीं किया। कितना इंतजार रहता है छठ? बहुत रहता है इंतजार। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड के बाद अभी हम लोग को दर्शन करने का मौका मिला, और सूर्य भगवान हम लोग को सबको स्वस्थ रखे, यही कामना करते हुए दर्शन करने के लिए आए हैं। आपने भी किया है क्या छठ? नहीं, मैंने नहीं किया है, लेकिन इस बार जब कोरोना के बाद ये इस बार घाट आने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब कार्तिक वाली छठ का इंतजार रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा, चाहते हैं किसी तरह से हो, घाट खुला रहे, सब लोग आकर करें। तो 2 साल से लोग कहीं ना कहीं घर में बंद थे, नहीं आ पा रहे थे, तो आज जिस तरीके से लोगों की भीड़ है यहाँ पे वो देखने लायक? बिल्कुल देखने लायक है, और चाहते हैं कि ऐसा ही आगे भी बना रहे, ये खुशियाँ रहे।
जी अदिति कोशिश कीजिए कि जितने जो महिलाएं वहां पर हैं उनसे जरा पूजा की जो विधि विधान है उसके बारे में भी बात कीजिए, और छठ का गाना जो है, जो छठ की गीत पूरे देश में प्रचलित है, खासकर पूर्वांचल और इन तमाम जगहों पर, बिहार में, झारखंड में, इन जगहों पर जो मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश में, तो गाने का भी खास महत्व है छठ के गीतों का। तो वो कोशिश कीजिए कि अगर कोई वहां पर उस गाने को गा सके तो वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। जी बिल्कुल, हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो पूजा पाठ होता है इसमें क्या कुछ मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये जो पूजा होता है ये 36 घंटे का, जहाँ तक मुझे पता है कि 36 घंटे का निर्जल व्रत होता है, ये चार दिन का ये जो पूरा छठ का सिलसिला चलता है इसमें क्या कुछ होता है? इसमें व्रत करते हैं और आज पूरा दिन फास्टिंग रहेंगे, कल सुबह फिर हम लोग अर्घ दे के तब फिर पारण करते हैं। मुख्य रूप से किस फल का चढ़ाव जो होता है वो छठी मैया पे किया? तो फल जितना इस समय मिलता है सारा फल का चढ़ाव होता है, नारियल ठेकुआ ये सब ज्यादा महत्व रखता है। सारा फल जो है ये मौसमी फल चढ़ता है, सारे चीजों का 4 दिन का उपवास चलता है। पहला दिन नहान खान होता है, दूसरे दिन खरना होता है, व्रती लोग दिन भर उपवास रह करके शाम को खरना करती है, और पहला अर्घ के दिन आज वाले दिन भर उपवास रख के आज सूर्य देव को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती है। कल सुबह का जो अर्घ होता है उसमें क्या कुछ होता है? उसमें मतलब उगते हुए सूर्य को अर्घ देना है, और अर्घ दे करके उसके बाद व्रती लोग पारण करती है। आप मेरे दर्शकों को कुछ छठ का गीत सुना सकती है? छठ का गीत तो माता का गीत है इसलिए उतना याद नहीं है, थोड़ा सा कुछ जितना याद हो कोशिश कीजिए कि दो चार महिलाएं एक साथ आकर वो गाना गाने में ज्यादा अपने आप को सहज महसूस करेंगी। जी बिल्कुल, आप लोग 3-4 लोग अगर साथ में हो करके दर्शकों के लिए कुछ ऐसे छोटा सा गीत गाजिए जितना आपको याद है सिर्फ उतना ही। आप शुरू कीजिए, लोग आ जाएंगे फिर वो कांचे ही बात सके काचे ही बस के बहंगिया बहंगी घट कते जाए बहंगी लच कते जाए बनाना बाबूजी का हरिया बहंगी घाटे पहुँचाए बहंगी घाटे पहुँचाए। जी अमृत, आप देख सकते हैं कि लोगों का उत्साह जो तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है, और आपके पास फिर लौटेंगे अदिति, नजर बनाए रखिए और देखिए क्या कुछ चल रहा है, और अगर वैसे लोग हैं जो इस तरीके की जो विधि विधान है वो बता सके, जो गा सके कुछ, तो उनके पास रही, हम आपके पास फिर लौटेंगे। बहरहाल हम अपने और सहयोगियों के पास चलते हैं, इस वक्त चलते हैं हम धनबाद। धनबाद की क्या स्थिति है, कैसे वहां पर इस वक्त पूजा पाठ की जा रही है, इससे पहले हमने देखा और अब क्या हालात है कुछ वक्त बाद, और वहां पर जो लोग आए हैं छठ घाटों पर उनसे भी जरा बात करने की कोशिश कीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अब सूर्यास्त होने के कगार पे है और भगवान भास्कर को अर्घ दे दिया गया है, डूबते भगवान भास्कर का अर्घ दिया गया, और देखिए जो श्रद्धालु हैं वो अब यहाँ से घर की ओर चलने को प्रस्थान करने की तैयारी में है, क्योंकि अब फिर सुबह भी उन्हें आना है और उठते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देना है। लेकिन कुछ श्रद्धालु हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से भक्तिमय माहौल होता है और इस त्यौहार को मनाते हैं आप लोग। आज का ये जो पर्व है बहुत ही आस्था का पर्व है। यहाँ छठी मैया सुख समृद्धि के लिए हर दुख को निकारण करती है। हमारे साथ छठ व्रती है, इनसे भी जानेंगे कितना बड़ा आस्था होता है इस पर्व में। हाँ, बड़ा व्यवस्था होता है छठ माई की, इतना विधि विधान से करना पड़ता है छठ माई का, बहुत अचरिका ढंग से करा जाता है हे छठ माई जी। कोशिश कीजिए अगर वो छठ का गाना भी गा सके तो काफी बेहतर तस्वीर दर्शकों के सामने जाएगी। देखिए मैं बता दूं आपको, जो छठ व्रती है उन्हें सुबह भी आकर के भगवान भास्कर को अर्घ देना है, और
जो डूबते हुए सूर्य को जो भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया, सभी छठ व्रती घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और जो डलिया है उसको भी उठाने की कोशिश किए जा रहे हैं। अगर मैं कोशिश करूंगा गीत गवाने की, लेकिन वो अगर उस तरह से तैयार होते तो, लेकिन कह सकते हैं कि जो छठ व्रती हैं वो धीरे 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 वो प्रस्थान कर रहे हैं और हम चाहेंगे अगर कुछ गीत गुनगुनाएं हमारे दर्शकों के लिए तो अच्छा रहेगा, कुछ अच्छा सा छठ माँ का गीत। क्या सब ये सब भक्त लोग बोलते हैं ये छठ ऐसा बड़ा पर्व है कि इतना बड़ा कष्टी पर्व है और बहुत मैंने इनका जो भी मांगते हैं सूर्य नारायण भगवान पूरा करते हैं और सबका कष्ट हरते हैं। बिल्कुल बहुत आस्था है जी, बहुत शानदार तस्वीर दिलीप जी आपने दिखाई। अब आगे बढ़ते हैं और अपने सहयोगी से बात करते हैं, देवघर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए, उनके पास चलेंगे दर्शकों को लेके वहां पर क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। आप जरा बात कीजिएगा, वहां जो छठ व्रती है उनसे भी बात कीजिएगा, उनके साथ जो लोग आए हैं उनसे भी बात कीजिएगा और देखिएगा क्या कुछ कह रहे हैं वो। देखिए यहाँ पर जो पवित्र शिव गंगा में अर्घ देने का कार्यक्रम था वो लगभग अब समाप्त हो चुका है, लोग अपने घरों की तरफ वापसी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो तमाम महिलाएं हैं उनसे हम बात करने की एक बार कोशिश करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि तकरीबन 2 साल के बाद जो ये उत्साह है, अच्छा ये लगभग 2 साल के बाद इतना उत्साह देखा जा रहा है आप लोग। बहुत अच्छा लग रहा है, 2 साल के बाद वो कोरोना की वजह से हम लोग कहीं आ जा नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल में घर में रह के एकदम माथा खराब हो गया था, इस बार छठ में आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। आप लोग के घर में छठ होता है? नहीं अभी तो नहीं हो रहा है, अगल बगल हो रहा है। कैसे सहयोग कैसे करनी है आप लोग को, जो आसपास है? नहीं आसपास में होता है, थोड़ा हाथ बटा देते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। कितने दूर से आई है? हम आ रहे हैं खिजुरिया से, खिजुरिया से आ रहे हैं, हम हर साल आते हैं यहाँ छठ में, हमको बहुत आनंद बहुत खुशी मिलता है। आदित्य नारायण छठी मैया को बारंबार अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम, बाबा बाबा वैद्यनाथ की जय हो, मैया पार्वती की जय हो। आप बताइए आप छठ में कितने दूर से आई हैं? हम तो यहीं से आए हैं जलसार रोड से, छठ पूजा से, मेरे पति कोषाध्यक्ष हैं, मेरे बेटा सदस्य है, दोनों बेटा तो मेरे सेवा करती है छठ मैया की। जैसे मेरे ज्यादातर हम लगाते हैं अर्घ देते हैं, बगल में पर्व होता था तो उनका साथ देते थे, इस बार तो उनका नहीं हुआ तो साथ नहीं दे पाए, इसी में तो मेरे पति जुड़े हुए हैं छठ मैया छठ चैती छठ पूजा से ही। देखिए ये आस्था क्या आप लोग बताइए छठ में कैसे आती है यहाँ पर आप लोग, क्या अर्घ देते हैं? पैदल आते हैं, यही तिवारी चौक में घर है मेरा, पैदल। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम करने के लिए। देखिए एक विशेष बात यह है कि मैक्सिमम जो घर में है वो कोविड की वजह से उनके घरों में छठ नहीं हो रहा है, ऐसे में थोड़ा सा थोड़ी सी भीड़ जरूर कम है, लेकिन आस्था में कहीं से कोई कमी नहीं हुई है। जिनके घर छठ होता है वो पूरे तन्मय और आस्था के साथ जरूर ये छठ पर्व मनाते हैं, लेकिन जिनके घर में भी ये छठ पर्व नहीं होता है वो अपने पड़ोसी या जो उनके करीबी रिश्तेदार होते हैं उनके घर छठ होता है तो वहाँ हाथ जरूर बटाती है और कई लोग जो है वो पूजा समितियों से जोड़कर अपने आप को यहाँ सेवा भाव से काम करती है, शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। और ये तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पवित्र शिव गंगा के सरोवर की तस्वीरें हैं, लोग आते हैं यहाँ पर छठ में जरूर। अच्छा बताइए छठ को किस रूप में देखती है आप लोग, क्या अर्घ देने के लिए आई है? जी हाँ, प्रणाम करने। प्रणाम करने। आप लोग के घर छठ नहीं होता? नहीं, कार्तिक महीने वाला होता है, ये नहीं होता है छठ में, नहीं। इस बार भी देने के लिए, मतलब देखने के लिए? जी हाँ, देखने के लिए, करने के लिए आए हैं। तो देखिए इस आस्था के लोक महापर्व का जो यही सबसे बड़ी खूबसूरती है कि जिनके घर में भी छठ होता है और जिनके घर में छठ नहीं होता है तमाम लोग आस्था और लाभ की भावना के साथ आते हैं, सिर को अर्घ देते हैं और जहां तक बन पड़ता है एक दूसरे को सहयोग भी करते हैं। ये तमाम जो तस्वीरें हैं इनमें से आप देख लीजिए कि शिवगंगा सरोवर पर काफी कम लोग ये जिनके घर छठ हो रहा है लेकिन इन्हें देखने के लिए यहाँ अर्घ देने के लिए तमाम लोग जो है ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तकरीबन हजारों की संख्या में शिवगंगा सरोवर की ये छठा देखने को मिल रही है। और जब कल उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा तो हम आपको बताते हैं कि निश्चित रूप से गीत संगीत और
भजन का भी कार्यक्रम होगा और विशेष रूप से आज शाम को कोसी भरने का भी लोग काम करते हैं। हालांकि अब अर्घ देने के बाद लोगों की वापसी शुरू हो गई है, लेकिन ये दृश्य के 2 साल के बाद देखने को मिला है। ये दृश्य लोगों को काफी जो सुकून देता है, आस्था का जो ये महापर्व है ये सुकून दे रहा है कि सब कुछ ठीक होगा, छठी मैया सब कुछ ठीक कर देंगे और वो पुराना दौर जो है वो फिर वापस नहीं आएगा। जब लोग अपने घरों में कैद हो गए, आस्था का महान लोक पर्व घर में मनाना पड़ा, बिना पाबंदियों के पहली बार 2 साल में ये माहौल देखने को मिल रहा है पवित्र शिव गंगा पर, जो कि काफी सुखमय है और लोगों को एक बड़ी राहत दे रही है कि छठ जैसे महापर्व को अगर घाट पर आकर न मनाया जाए, इतने बड़े तादाद में श्रद्धालुओं के साथ न मनाया जाए, उगते हुए सूर्य को खुले वातावरण में अर्घ न दिया जाए, तो छठ के आस्था पर भी सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज 2 साल के बाद ये विहंगम दृश्य, ये खूबसूरत नजारा देवघर के पवित्र श्री गंगा से, जहाँ पर लोग खुले विचार से आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं और एक दूसरे का सहयोग कर छठी मैया से यह आराधना कर रहे हैं कि जो बुरा दौर था वो बुरा दौर फिर से किसी के जीवन में नहीं आए। तो ये तमाम मनोकामनाओं के साथ यहाँ पर लोग आ रहे हैं और आस्था के डुबकी के साथ यहाँ भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। जी तो नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आज शाम की भी जो तस्वीरें होंगी वो भी, और कल सुबह की भी जो तस्वीरें होंगी वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और क्या कुछ चल रहा है, न सिर्फ इन 5-6 जगहों पर बल्कि पूरे सूबे से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां छठ व्रती पूरी श्रद्धा के साथ छठ घाटों पर पहुंचे हैं और उनके परिवार वाले भी पहुंचे हैं। काफी लोग जो बाहर काम करते हैं वे भी खास तौर पर छुट्टी लेकर अपने घर आ जाते हैं। ये वैसा पर्व है जिस पर्व की रौनक बाकी पर्व की रौनक से काफी ज्यादा होती है, और हालांकि इस पर्व में काफी कड़े विधि विधान है और साफ सफाई का बेहतर ख्याल भी रखा जाता है। बावजूद इसके इतने कठिन व्रत में भी महिलाएं पुरुष इस व्रत को करते हैं और वो घाटों पर जाते हैं। खास तौर पर इसे भगवान सूर्य का व्रत माना जाता है और ये कई मायने में खास भी है। तो ऐसे व्रत में अब कल सुबह का भी इंतजार है कि कल सुबह जब छठ व्रती भगवान सूर्य को अर्घ देंगे तो फिर कैसी तस्वीरें आएंगी वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।